जय मसीह की। आज के स्पिरिचुअल सीक्रेट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की पूरी मनसा द होल काउंसिल ऑफ गॉड इस विषय में हम कई बातों को इन दिनों में देखते आ रहे हैं। आज हम विशेषकर कलीसिया के बारे में कुछ बातों का ध्यान करेंगे। यीशु मसीह के दिल के बहुत ही करीब है उनकी कलीसिया। वो अपनी दुल्हन इस कलीसिया को लेने के लिए दूसरी बार इस पृथ्वी में आएंगे। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर सौंप दिया, सारे जगत के पाप को अपने ऊपर ले लिया और अपने आप के लिए एक दुल्हन को, एक कलीसिया को इसके द्वारा यीशु मसीह जो है तैयार कर रहे हैं। जो कोई आज यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जो कोई आज अपने अपने पापों के बारे में जो उनको अगर वो समझ है और वो कहते हैं कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे आपके इस रक्षा की ज़रूरत है, आई नीड द सेल्वेशन, आई नीड फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, ऐसा कहकर जो भी आज मसीह के पास आता है वो पाप का क्षमा पा लेता है और पिता परमेश्वर उनको अपने बेटे या बेटी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और आप कलीसिया के एक मेंबर बन जाते हैं। पहले कुरिन्थियों का पुस्तक 12वां अध्याय उसके 12वें वचन से हम विशेष रूप से कुछ बातों को देखते हैं। वहां कलीसिया के बारे में जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कलीसिया को एक शरीर या देह के रूप में जो है एग्जाम्पल दे करके कुछ बातों को जो है प्रेरित यहां पर सिखाना चाहते हैं। 14वां वचन कहता है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। अगर कलीसिया को एक शरीर के रूप में देखा जाए तो जैसा हम समझते हैं कि एक शरीर के अंदर में बहुत सारे अंग हैं, उसी तरह से यहाँ कहा गया है, यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? तो ये उदाहरण देते हुए प्रेरित ये कहना चाहते हैं कि देखो, अगर तुमको परमेश्वर ने कलीसिया रूपी देह में या शरीर में एक आंख का रोल दिया है या कान का एक रोल आपको दिया है, पैर का एक रोल आपको दिया गया है, तो तुम अपने जो है अपनी अपने महत्व को तुम समझो, अपने इम्पोर्टेंस को तुम समझो। कई बार जो है हम आपस में जो है कंपैरिजन करते हैं और हम बराबरी करते हैं। हम कहते हैं कि जैसे कि देखो, मैं तो आंख नहीं हूँ, मैं तो केवल कान हूँ, तो इसलिए जो है मेरा उतना ज़्यादा महत्व शरीर में नहीं है। ऐसा हमको कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना है। हमको आपस में जो है कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी हमको शरीर का भाग बनाया है, हम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपने कॉलिंग के बारे में, जैसे भी परमेश्वर ने आपको रचा है, जो भी टैलेंट आपको दिया है, जो भी गिफ्टिंग परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसके महत्व को समझें और आप उसका अंगीकार करें कि हाँ, मैं भी इस देह का एक अंग हूँ और जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरा नहीं करता, तब तक जो है वो शरीर में एक कमी महसूस होएगी। तो आप अपने महत्व को समझिए, और ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, 19वां वचन कहता है, यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। अब देखिए उदाहरण क्या कहता है, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तो पहली बात तो ये कि कई बार हम अपने बारे में कम सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, नीचा सोचते हैं।
तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और जो मिनिस्ट्री आपको परमेश्वर ने दिया है वो आपके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। ये पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, कई बार हम दूसरों को नीचा देखते हैं, दूसरों के बारे में हम कम सोचते हैं, हम कहते हैं कि मैं ही काफी हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, अरे तुम तो मेरे, तुमसे क्या काम है, अगर तुम नहीं भी हो तो चलेगा, मैं अकेले ये सब कर लेंगे। ऐसा कभी हमें अपने बारे में नहीं सोचना है। जैसे कि देखिए यहां उदाहरण में ये वही बताया गया है कि आंख जो है हाथ से कहे कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आप शरीर के बारे में सोचिए कि अगर हाथ काम नहीं करेगा तो कितना तकलीफ हो जाएगा, कितनी कमियां उस शरीर में आ जाएगी। आपका आंख तो बिल्कुल बढ़िया दिखता है, लेकिन अगर आपका हाथ काम नहीं करता है तो वो आपके लिए कितना मुसीबत खड़ा हो जाएगा। उसी तरह से जो है कलीसिया में भी है, हर एक व्यक्ति वहां महत्वपूर्ण है। तो आप अपने महत्व को पहले समझिए और दूसरों के महत्व को भी आप समझिए। ये दोनों ही बात जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो कुछ भी आपको सौंपा गया है उसको जो है आप बिल्कुल सिंसियरिटी से और बिल्कुल जो है दिल से आप उस बात को करें, उसको छोटा ना समझे, उसको कम ना समझे। उसी समय दूसरों को, जो दूसरे मेंबर लोग हैं जिसको कलीसिया में परमेश्वर ने रखा है, आप उनके महत्व को भी समझें, आपस में प्रेम करें, आपस में सम्मान दें एक दूसरे को, आपस में जो है एनकरेजमेंट करें। ऐसा नहीं कि मैं तो ठीक हूं, मैं तो अपना कर रहा हूं, तुम नहीं भी हो तो चलेगा, मैं और प्रभु जो है मिल करके सब संभाल लेंगे, ऐसा हमें नहीं सोचना है। और आगे देखिए कितने अच्छी तरह से कहा गया है, परंतु देह, 22वां वचन, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। जब हमें कलीसिया के बारे में इन बातों को समझाने के लिए परमेश्वर जो है हमको बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अरे देखो तुम्हारा शरीर कैसा फंक्शन होता है, अपने शरीर की ओर देखो, है ना। अभी एक छोटी उंगली में अगर तुमको दर्द हो जाता है तो वो पूरे शरीर का तकलीफ बन जाता है, तुम कहीं जा नहीं पाओगे। छोटा सा कोई भी हमको प्रॉब्लम हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए आपको बैक पेन हो रहा है, आपका आंख ठीक चल रहा है, कान ठीक चल रहा है, पैर ठीक चल रहा है, हाथ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर वो बैक पेन आपको हो जाता है तो बस आपका पूरा शरीर जैसे मान लीजिए बिल्कुल ब्रेक लग जाएगा। फिर आप कैसे बैठेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे लेटेंगे, कहीं आप जा पाएंगे कि नहीं, ये सारी बातें जो है उस बैक पेन के अनुसार जो है आपको कई बार निर्णय या डिसीजन लेना पड़ता है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से वहां बताया गया है, 26वें वचन में कहा गया है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। कई बार कलीसिया के बारे में हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम केवल अपने अपने में रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हमारे साथ सब अच्छा चल रहा है तो हम बहुत खुश रहते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि कलीसिया में जो और लोगों को परमेश्वर हमारे साथ ला करके रखे हैं, लोकल चर्च में भी और जो है यूनिवर्सल चर्च में भी, अलौकिक जो है सभा जो परमेश्वर ने स्थापित कर रखा है, दुनिया के कोने कोने में जो संत लोग हैं, इनमें से हर एक लोग जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक रूप से जो लोकल चर्च में आप हैं, वहां के जो दूसरे मेंबर हैं, उनका दुख उनका सुख आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। कई बार जो है हम आपस में जो है हम ईर्ष्या रखते हैं, अगर किसी एक व्यक्ति का आदर सम्मान हो जाता है तो बाकी लोगों को बुरा लगता है कि अरे ये अकेले आगे बढ़ रहे, हम सब तो ऐसे छूट जा रहे हैं।
और इस तरह का जो है ईर्ष्या लोग आपस में रखते हैं, एनवी, जेलसी, आपस में एक दूसरे को एनकरेज करने के बजाय जो है इस तरह की बातों को लोग करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर एक अंग आगे बढ़ता है, एक की बढ़ोतरी होती है तो सारा शरीर आगे बढ़ता है। परमेश्वर का कुछ प्लानिंग ही ऐसा है, अगर एक को दुख होता है तो वो सारों का दुख है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो कलीसिया के संबंध में हमें समझना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह से जब हम कलीसिया में रहते हैं तो वो जो है हमको जो है खुद अपने रोल में खड़ा करने में हमें सहायता देता है, और आपस में एक दूसरे को जो है आदर, सम्मान और प्रेम और जो है प्रोत्साहन देते हुए एक साथ आगे बढ़ने में भी ये हमारी सहायता करता है। तो शरीर जो है वो केवल एक अंग नहीं है, पूरे शरीर को हम एक साथ समझते हैं। और एक तरफ जब हम शरीर को ऐसा समझते हैं तो दूसरी तरफ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हर एक अंग स्वस्थ रहे, हर एक अंग अपना अपना काम करे। प्रेज गॉड। तब जा करके जो है शरीर पूरा जो है स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है और हम परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ पाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।